इतने सारे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके प्रयासों से आज ये मुहिम बिल्कुल अपने चरम पर है, तो इसको रोकते नहीं है दोस्त। मेरा सुझाव यहाँ पर यही है कि हम यूनाइट होकर यहाँ पे काम करें और अपनी यूनिटी को रिप्रेजेंट करें। और आज जो 11 बजे जो अब बज चुके हैं और 11:05 हो चुके हैं, तो आप अपने ट्विटर हैंडल पर जाइए, नहीं है तो ट्विटर ऐप को डाउनलोड करिए। मैं भी कल ही जुड़ा हूँ ट्विटर पे सिर्फ इसी कैंपेनिंग के लिए, तो ट्विटर पे जाइए और ट्वीट करिए जो आपको ठीक लगे। हम ट्वीट कर सकते हैं स्पीकर फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, क्योंकि रेलवे और SSC के स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कतें हो रही है। हम कर सकते हैं क्या, हम ट्वीट कर सकते हैं कि भैया स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट, बायकॉट SSC चेयरमैन। ये सारी की सारी चीजें ट्रेंडिंग पे जा रही है और हमारी जो मेन डिमांड है सिर्फ और सिर्फ यही है। और हम इस डिमांड को इस ट्विटर कैंपेन के बाद बहुत बड़े लेवल पे आगे लेके जाएंगे और हम पूरे गवर्नमेंट जॉब के चार्टर को ही सही कराएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि भैया फेयर एंड टाइमली एग्जाम होना चाहिए, टाइमली पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एग्जाम हो गया आप रिजल्ट एक एक साल के लिए ना निकालो, वो काम नहीं होना चाहिए। कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में। NTPC जो 2019 में तुमने अप्लाई करवाया था, जो सरकार के चुनाव से पहले तुमने करवाया था, मैंने अपनी फेसबुक वीडियो में भी कहा था कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला कि चुनाव ही अपने आप में घोटाला है। आपने एक किस्म से घोषणा पत्र जारी किया अपनी सरकार लाने के लिए कि जी हम NTPC में 1,00,000 नौकरियां निकालने लग रहे हैं और हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे। और उसका ट्रेलर ये कि जी हम NTPC के थ्रू 1,00,000 वैकेंसी लेके आ रहे हैं, 90,000 वैकेंसी लेके आ रहे हैं। और इसके थ्रू आपने अपना प्रचार जारी किया युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप उसको भूल गए। तो अल्टीमेटली बीजेपी ने, सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला तो यही किया कि जो चीज उन्होंने कही वो एक भी पूरी नहीं की। मतलब युवाओं के साथ स्पष्ट रूप से चीटिंग हुई, हमारे वोट इनडायरेक्ट वे में खरीद लिए गए, युवाओं को झूठे सपने दिखाकर वोट खरीद लिए गए। तो ऐसी सरकार को हम यहां पर यह कह रहे हैं कि भैया जो तुमने बोला था उस एग्जाम को कंडक्ट कराओ, वेटिंग लिस्ट हर एग्जाम में होनी चाहिए। और अब हम इसके बाद आज ही हम ट्विटर कैंपेन आगे दौड़ा रहे हैं। हर एक बच्चा ट्विटर पे अपने अपने ट्वीट करिए जैसे भी आपको समझ आता है। मैंने भी ट्विटर आज कल ही ज्वाइन किया सिर्फ इसी के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी ज्वाइन करिए और ट्विटर पे अपने ट्वीट को आगे बढ़ाइए। मेरे दोस्तों हम एग्जाम चार्टर लेके आएंगे, हम सारे प्रयास करेंगे और हर हाल में अब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी हालत में इस मुहिम को अब नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। एक बात जिंदगी में याद रखना कि जिंदगी कुछ देती नहीं, जिंदगी सिर्फ लौटाती है। अगर आप जो जिंदगी को दोगे वो आपको वापस मिलेगा। अगर 8 घंटे की मजदूरी करोगे तो 300 रुपए मिलेंगे और दिमाग की 8 घंटे की कसरत करोगे तो 1,00,000 रुपए मिलेंगे। तो कोई टीचर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या कोई और सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है, आप सब देख पा रहे हैं नहीं, हाँ, मतलब सिर्फ इस बात से है कि आप अपने लिए कितने एफर्ट लगा रहे हो। हमारी सब टीचर्स की भी मीटिंग हुई बट कोई खास निष्कर्ष निकल के नहीं आया। सबको ये कह देता है कि नहीं सरकार के खिलाफ हम क्यों कुछ करें, जबकि मुखिया सरकार है हमारी। अगर ये प्रजा सरकार से क्यों नहीं कहेगी। ये जो युवा है इसको ज्यादा पता है कि देश का हालात आगे आने वाले 2-3 सालों में और क्या होने वाला है। जो गांव की जनता है, जो भोली जनता है, जिसको 500 रुपए अकाउंट में भेज दिए, मंदिर बन गया, जिसको लगता है कि मोदी जी ने वो सब काम कर दिए जो कोई नहीं कर सकता था, तो हमें लगता है देश बहुत अच्छा चल रहा है। बट नहीं, आपने देखा होगा GDP -23% आ गई। तो आज आपको क्या करना है कि 11 बजे अभी आकर हैशटैग डालना है ट्विटर पे, स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, SSC डिक्लेयर रिजल्ट, जो कि रिजल्ट एक एक साल से फंसे हुए हैं, 2-2 साल से फंसे हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग। अब जब ये मुद्दा उठ गया है, जब हमने ये कोशिश कर ली है कि अब ये मुहिम छेड़ दी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मन सच्चा है, हमारी आत्मा सच्ची है, हम जीत कर रहेंगे। एक और नई चीज, बहुत खास बात जो मैं लेकर आया हूं, वो अब ये है कि जब चुनाव आया था आप सबको पता होगा, सबने कहा मैं भी चौकीदार हूं, सबने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया। आज इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि भारत का हर युवा अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह यूट्यूब के नाम में सिर्फ एक ही नाम लिखेगा, बेरोजगार अभिनय शर्मा, बेरोजगार गगन प्रताप, बेरोजगार राकेश यादव, सब लोग बेरोजगार लिखेंगे। हर किसी के नाम के पीछे बेरोजगार लगा होगा। हम दिखाते हैं कि इस युवा की क्या ताकत है। अरे विदेशी मीडिया भी तो देखेगा, अपना मीडिया नहीं देख रहा, तो इस मीडिया की वजह से तो आज देश इतना डिक्लाइन हो गया जिसने सच दिखाने की हिम्मत ही नहीं की।
जो सिर्फ एक कठपुतली बनकर नाच रहे हैं सरकार का, इससे ज्यादा और दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। अब डरना नहीं है, अब जब मैं इतना निडर हो गया हूं कि अब जो होगा देखा जाएगा, बट हम ये रिफॉर्म्स लाकर रहेंगे। एक सिस्टम में बार बार खराबी आ रही है, रोज मैं चाय को सेम तरीके से बना रहा हूं, हर बार दिक्कत आ रही है। 2013 के पेपर में नकल हुई, दो बार पेपर कैंसिल हुआ, 3 साल लग गए, 14 में रिजल्ट लेट आया, 15 में आया। एक सिस्टम जिसमें लगातार गलतियां हैं, क्या उसमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? क्या इस पे सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है? आज लोग कहते हैं सरकार नीट जेई पे बात कर रही है क्योंकि सरकार को कॉलेज भरने हैं, इन बड़े बड़े शिक्षा माफियों की जेबें भरनी है, इनके पास डोनेशन पहुंचानी है, आईआईटी जेई में सेलेक्ट हो नहीं पाएगा, तो इसलिए नीट जेई टाइम पे हो रहा है। लोग कहते थे नीट जेई हो रहा है, यूपीएससी हो रहा है, क्योंकि सरकार को सलाह कौन देगा? ये अफसर ही तो सलाह देंगे, तो आराम से यूपीएससी भी हो रहा है, बट एसएससी की कहां जरूरत है? एसएससी के बंदे तो 10 की कोई वैल्यू नहीं है, एसएससी रेलवे कोई इनकी वैल्यू नहीं है सरकार की नजर में, लेकिन वैल्यू हमें दिखानी है, हमें बताना है कि हम ताकत हैं, हम अपने माँ बाप का सपना है। अंबेडकर ने भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा का निर्माण करते समय देखा था कि आज से जिस हम भारत में जा रहे हैं उस भारत में कोई भी आर्थिक आधार पर विषमता नहीं होगी। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा इसीलिए कहा था क्योंकि उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था, जिसमें यह अधिकार दिया गया था कि एक गांव का गरीब व्यक्ति, खेतों में काम करने वाला एक मजदूर का लड़का भी क्या कर सकता है, अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई के लिए, अवसर की समता की लड़ाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। माननीय मोदी जी, यह लड़ाई केवल कुछ चंद लोगों की लड़ाई नहीं है, यह 5 स्टार में पलने और बढ़ने वाले लोगों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई उन किसान के पुत्रों की लड़ाई है जिन जो है जो खेतों में हल चलाते हैं और जिनके बच्चे जो है अपने शरीर पर गठरी का बोझ लेकर जब अपनी गांव की पगडंडी से प्रयागराज, दिल्ली, बनारस, आगरा, मेरठ जैसे राजपथ पर आते हैं तो उनके घर वालों की आंखों में एक सपना होता है कि मेरा लाल जा रहा है, मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन उन सपनों ने, उन आंखों ने, वो आंखें पथरा गई हैं महोदय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश की हजारों माएं, देश की वो हजारों बाप जिनके पगड़ी की इज्जत उनके लाल पर थी, वो आज आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से टकटकी लगा के देख रहे हैं कि आज आप अपने भवन से बाहर आएंगे, अपनी मौन तंद्रा को तोड़ेंगे, आप केवल जो एक्ट्रेस होते हैं उनके लिए ट्वीट नहीं करेंगे। आज जो लाखों करोड़ों युवा आज आपसे जवाब मांग रहे हैं उनके जवाब पर भी आज अपने ट्विटर हैंडल का आप प्रयोग करेंगे और तत्काल आप बताएंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ट्विटर पे बहुत सही माहौल आपने बना रखा है। एक एक जो बेरोजगार भाई है ना, जो काबिल होने के बावजूद भी अपने घर में बैठा हुआ है, और इन्होंने जो सरकारी नौकरी को जो पंचवर्ष योजना बना रखा है ना, आज उसका जो गुस्सा है वो ट्विटर पे दिखना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे तुम नेताओं के कुर्ते फाड़ दो यहीं से। ये जब चुनाव का नामांकन होता है उससे पहले बढ़िया बढ़िया वैकेंसी निकालते हैं, 90,000 वैकेंसी निकाल दिया टीचर की, 70,000 वैकेंसी निकाल दिया एसएससी में, वैकेंसी निकाल दिया रेलवे की, वैकेंसी निकाल दिया, और उसके बाद 5 साल उसका कोई अता पता नहीं होता। कभी उसको रिजल्ट के नाम पर अटका देते हैं, कभी उसको टियर 3 के नाम पर अटका देते हैं, कभी डिस्क्रिप्टिव के नाम पर अटका देते हैं, कभी जॉइनिंग के नाम पर अटका देते हैं। ऐसे करते करते 4-5 साल गुजर जाते हैं और जब फाइनल जो चुनाव फिर से आने वाला होता है तब उनकी जॉइनिंग कराते हैं। बच्चा 5 साल में, 5 साल कोई समय नहीं होता, 60 साल की जिंदगी में 5 साल उसका ऐसे ही खराब हो गया। तो ये जो गुस्सा है, 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं, ये ट्वीट रुकने नहीं चाहिए, करोड़ों की संख्या में ट्वीट जाने चाहिए कि आज पता लगना चाहिए कि देश में जो जवान है जब वो एक बार गुस्सा हो जाता है ना, और गुस्सा जो होता है उसका गुस्सा विद्रोह में जब बदलता है तो कितना दुष्परिणाम सामने निकलता है। तो ये ट्विटर पे दिखना चाहिए #SSCCGL declare result, और जो अभी #trend हो रहा है #1 पे वो कंटिन्यूअस ट्रेंड होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ट्विटर पे जाओ, दबा के करो, दबा के ट्वीट करो मेरे प्यारे भाई, और हैशटैग रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और आज पता लगना चाहिए कि ये जो लोग आराम से बैठे हुए हैं ना, जो मौज ले रहे हैं, आपके चुनाव का रिजल्ट तो बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा है, 15 दिन के अंदर सारा काम निपट जा रहा है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार दरोगा का भर्ती निकाल दिया, इससे पिछले सत्र के बिहार दरोगा का क्लियर नहीं हुआ, उनका रिजल्ट नहीं आया, और नया बिहार दरोगा का पेपर पहले ही निकाल दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला है, बच्चा खुश हो जाएगा बिहार दरोगा का वैकेंसी निकला है। लेकिन ये भी तो समझो कि पेपर होगा नहीं 5 साल अगले,
तो ये हैशटैग इतना ट्रेंड करो, इतना वायरल करो हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, सब जगह, और खासकर ट्विटर पर टैग करो पीएम साहब को, पीएमओ को, उनके प्रवक्ताओं को, हर बड़े बड़े लीडर्स को, न्यूज चैनल्स को, और आग लग जानी चाहिए। कोई भी अभद्र भाषा का यूज ना करे, सिंपल सीधे सीधे शब्दों में बोले, कोई गलत टिप्पणी ना करे, कोई गाली गलौज नहीं, लेकिन अपनी बात रखो कंटिन्यूस लगातार। हफ्ते भर तक भी माहौल बना रह गया तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लगे रहो, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, धन्यवाद।